सौ बार ये कहा है कि बाबरी मस्जिद जो है शीर्षनिकों ने गिराई है, बाबरी पड़ली मला अभिमान आए, वही स्टेटमेंट एक बार सिर्फ उनको मुमरा में देना चाहिए। मैं तो संजय राउत को एक सलाह दूंगा, वो हारमोनियम बड़ा अच्छा बजाते हैं, तो अब उनका राजयोग खत्म हो गया है, वो सठिया गए हैं, पगला गए हैं, अब उन्हें ट्रेनों में जाकर जो है ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो, हमारे कर्म नेकी पर चले, बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। आरिफ भाई क्या कहेंगे, जैसे कि कल शनिवार को 11 तारीख को जो है उदय ठाकरे मुमरा आ रहे हैं, आपने जो है इस शाखा पर आपने कब्जा किया था, उसके बाद में संजय राउत ने ट्वीट किया और उसके बाद में जो है उदय ठाकरे मुमरा आ रहे, क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे को बहुत पहले मुमरा आना चाहिए था, जब यहाँ पर कब्रस्तान घोटाला चल रहा था, स्लाटर हाउस घोटाला चल रहा था, प्ले ग्राउंड का घोटाला चल रहा था, यहाँ पर जो है कब्रस्तान जो है बिल्डरों को बेचा जा रहा था, उस वक्त आना चाहिए था, स्लाटर हाउस की हेर फेर किया जा रहा था, उस वक्त आना चाहिए था, उस वक्त आना चाहिए था जब टोरंट जैसी जालिम कंपनी मुमरा में लाई गई, उस वक्त आना चाहिए था जब मुमरा वालों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा था, उस वक्त आना चाहिए था। और उद्धव ठाकरे साहब किस मुंह से मुमरा में आ रहे हैं, मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ। वो लगातार जो है अपने स्पीचों में ये बोलते हैं कि बाबरी पड़ली मला अभिमान आहे, बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने गिराई, मुझे इसका नाज है, मुझे इस पर गर्व है। तो ऐसा शख्स जो मुस्लिमों के दिल पे ठेस पहुंचने वाली बात करता हो, ऐसा शख्स जो हमेशा मुस्लिमों को आस्था को ठेस पहुंचाई हो जिसने, वो शख्स जो है मुमरा में आ रहा है, तो वो तो मुमरा वाले जानते हैं कि वो किसके इशारे पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उद्धव साहब ठाकरे को कल यहाँ आ रहे हैं, तो जैसे उन्होंने अपने स्टेटमेंट में 100 दफ़ा ये कहा है, 100 बार ये कहा है कि बाबरी मस्जिद जो है शीर्षनिकों ने गिराई है, बाबरी पड़ली मला अभिमान आए, वही स्टेटमेंट एक बार सिर्फ उनको मुमरा में देना चाहिए, तो मैं मान जाऊंगा कि वो अच्छे और बहुत बेहतरीन राजनीतिज्ञ हैं। रही बात संजय राउत के ट्वीट की, तो संजय राउत का तो असल मायनों में वो उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा दुश्मन है संजय राउत। संजय राउत ने हमेशा टंक मार मार के हमेशा कुछ न कुछ विवादित बयान देके, एक तरह से विवादित ढांचा है हिंदुस्तान का संजय राउत, विवादित ढांचा, मतलब कुछ न कुछ बोल के धीरे धीरे जो है उद्धव ठाकरे को खत्म कर डाला, उद्धव ठाकरे को खत्म कर दिया, जैसे कि हमेशा से जो है उसने खुराफाती बोला है। मैं तो संजय राउत को एक सलाह दूंगा, वो हारमोनियम बड़ा अच्छा बजाते हैं, तो अब उनका राजयोग खत्म हो गया है, वो सठिया गए हैं, पगला गए हैं, अब उन्हें ट्रेनों में जाकर जो है ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो, हमारे कर्म नेकी पर चले, बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ट्रेनों में बाकायदा बजा के अपनी बाकी का जो जीवन है वो गुजार लेना चाहिए। मेरी ये संजय राउत को सलाह है। और उद्धव साहब ठाकरे को मैं ये कहना चाहूँगा कि मुमरा वालों के साथ बहुत अन्याय अत्याचार हुआ है, 15 साल से मुमरा वाले लोग सहन कर रहे हैं, इनको बहुत पहले आना चाहिए था, अब इनको नहीं आना चाहिए। जब NCP और कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त यही उद्धव साहब ठाकरे ने कहा था कि 5% आरक्षण मुस्लिमों को मिलना चाहिए। अब ये 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो 2.5 साल में मुस्लिमों की इन्हें याद नहीं आई, क्यों नहीं आई याद? तो जो आदमी सही से मंत्रालय में जाके बैठ नहीं पाए, 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे और मुश्किल से 6 महीना ही गए होंगे, 2 साल तो घर में ही बैठे रहे, जो इतना आलसी आदमी उद्धव साहब ठाकरे हैं, अब वो जो है मुमरा आ रहे हैं, पता नहीं कैसे आ रहे हैं। तो मुमरा में तो कल उनकी मतलब स्वागत करने के लिए लोग तैयार हैं, NCP वाले हाजी मोमिन हमारे भाई जो है उन्होंने काले झंडे दिखाने का ऐलान कर दिया है, तो मैं चाहूंगा उद्धव साहब ठाकरे मुमरा में आए तो ये स्टेटमेंट जरूर दें। सर जैसे ये कल मुमरा जो है उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, ऐसे में कल का माहौल क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? माहौल अल्लाह ने चाहा बहुत अच्छा रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर एकदम मेंटेन रहेगी, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना मेंटेन करना ये पुलिस प्रशासन की जवाबदारी है और मुझे पूरा भरोसा है मुमरा के पुलिस प्रशासन पे, यहाँ के परिमंडल 1 के जो DCP हैं गणेश जी गावड़े साहब बहुत ही सशक्त DCP हैं, बहुत ही बेहतरीन जो है DCP साहब हैं, वो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने में भरपूर भूमिका अदा करेंगे, मुझे ऐसा उनसे उम्मीद है। जैसे कि कल आपने जो शाखा एक उदय ठाकरे के पहले शाखा थी, आपने जो इसको अपने कब्जे में ले लिया, सर कल वो आते हैं उदय ठाकरे मुमरा, तो आप इसे अगर वो शाखा अपने कब्जे में ले तो आप क्या करेंगे? देखिए ऐसा है
कि जब ये विवाद चला था तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, वहां से ये फैसला सुनाया गया कि शिवसेना जो है वो शिंदे साहब की है। तो जब शिवसेना शिंदे साहब की है तो शाखा भी शिंदे साहब की होगी, शिवसेना की होगी। तो मैं समझता हूँ उद्धव साहब ठाकरे यहाँ पर आके कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं।